कि वैष्णव भक्ति से बंगाल की धरती को सरोवर करने वाले चैतन्य महाप्रभु इसी मेदिनीपुर होते हुए जगन्नाथपुरी की यात्रा किए थे। बंगाल की धरती प्रेरणा की धरती है। भारत के अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलग जगाने की बात हो या फिर भारत की स्वाधीनता आंदोलन में विदेशी हुकूमत के पैरों को खाड़ने के लिए अपनी शहादत देने के लिए मेदिनीपुर की धरती ने शहादत में कभी अपने आप को पीछे नहीं किया। भारत माता के महान सपूत शहीद खुदीराम बोस इसी धरती पे पैदा हुए थे। मैं भारत माता के इस महान अमर सपूत को कोटि कोटि नमन करता हूं। और भाइयों बहनों, यही बंगाल की धरती है जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए थे और उन्होंने देश को एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा भी बंगाल की धरती ने देश को दिया था। ये वही बंगाल है जिस बंगाल में स्वामी विवेकानंद ने पैदा होकर के दुनिया के मंच में एक नारा दिया था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये स्वामी विवेकानंद ने बंगाल की धरती में पैदा होने के बाद ही वैश्विक मंच पर भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर गर्व होने की प्रेरणा दी थी। ये बंगाल की धरती है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने देश को राष्ट्रगान देकर के यहीं से एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस परिकल्पना को साकार किया था जिसे आज यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी साकार कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, देश की आजादी का अमर गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंगाल की ही धरती पर लिखा था, जो आज भारत की आजादी के बाद भारत का राष्ट्रगीत बना है। वंदे मातरम के अमर उद्घोषक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को भी कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, बंगाल को भारत माता के इन महान सपूतों ने एक समृद्ध बंगाल बनाने की इसका सपना देखा था, लेकिन कांग्रेस कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस बंगाल को कहां लेकर के चले गए हैं। आज बंगाल में व्यापक भ्रष्टाचार है, आज बंगाल में अराजकता है, आज बंगाल में गरीबी है, आज बंगाल में विकास कहीं भी नजर नहीं आता है। भाइयों बहनों, मुझे बताया गया ये पश्चिमी मेदिनीपुर का ये क्षेत्र कृषि बाहुल्य क्षेत्र है और कृषि बाहुल्य क्षेत्र में आलू उत्पादन करने का कार्य यहां का किसान करता है, लेकिन 10 वर्षों से तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। इस सरकार ने अपनी ओर से तो कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब मेदिनीपुर में खाद्य प्रसंस्करण के एक यूनिट आलू के बारे में लगाने की कार्रवाई प्रारंभ की और आलू उत्पादक किसानों के आलू को यहां से एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था दी, तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार उसमें आड़े आ गई, उसने ये काम नहीं होने दिया। दस वर्षों से तृणमूल कांग्रेस की सरकार बंगाल में है, लेकिन भाइयों बहनों, बंगाल की बदहाली को बंगाल की गरीबी को दूर नहीं कर पाई। 10 वर्षों में इस तृणमूल कांग्रेस की दीदी की सरकार ने
ममता दीदी की सरकार ने बंगाल में कोई उद्योग नहीं लगने दिया। उद्योग नहीं लगेंगे तो विकास नहीं होगा, नौजवानों को रोजगार और नौकरी नहीं मिलेगी, उन्होंने नहीं लगने दिया। जो उद्योग थे उनको बंद करवा दिया। और भाइयों बहनों, एक तरफ उद्योग नहीं लगने देंगे, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के गुंडों की गुंडागिर्दी और भ्रष्टाचार के नए नए उद्योग फल फूल रहे हैं। हर योजना में तोलाबाजी, हर योजना में उनकी लूट खसोट बंगाल के अंदर देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार 4 वर्ष से है और 4 वर्ष में हमने 40 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाए हैं। एक करोड़ 38 लाख गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। 2 करोड़ 62 लाख गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाया है। 6 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा का कवर दिलाया है। और भाइयों बहनों, 2 करोड़ 42 लाख किसानों को 6,000 रुपए सालाना के हिसाब से फरवरी 2019 से पैसा देना प्रारंभ किया और अब तक 28,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में जा चुके हैं। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा बंगाल के किसानों को भी मिल सकता था, लेकिन ममता दीदी ने देना नहीं चाहा, नहीं किया, सहयोग नहीं किया। यहाँ का किसान उससे वंचित है। ममता दीदी का विकास तो अजीब सा है, वे यहाँ गरीबों को आवास नहीं देना चाहती, गरीबों को शौचालय नहीं देना चाहती, गरीबों को स्वास्थ्य बीमा का कवर नहीं देना चाहती, मछुआरों को आवास नहीं देना चाहती, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ किसानों को नहीं देना चाहती है। और तो और, यहां पर वो रेलवे लाइन नहीं बिछने देती है, यहां पर हाईवे नहीं बनने देना चाहती है, एम्स, आईएम, आईआईटी, मेडिकल कॉलेज, इसका निर्माण नहीं होने देना चाहती है। वह केवल चाहती है, भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास का, और ममता दीदी कहती है कि मेरा विकास और तृणमूल का विकास हो, बाकी किसी का विकास न हो। भाइयों बहनों, ममता दीदी का नारा यही है बंगाल में, मेरा विकास और तृणमूल का विकास। भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास का, और भाजपा इसीलिए तो कह रही है कि भाजपा को बंगाल के अंदर मौका दीजिए। भारतीय जनता पार्टी घुसपैठ की समस्या का समाधान करके रख देगी, घुसपैठ बंगाल के अंदर नहीं होने देगी। भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए। जो लोग दुर्गा पूजा को प्रतिबंधित करते हैं, मां सरस्वती की पूजा को प्रतिबंधित करते हैं, वे लोग बंगाल की धरती में टिक नहीं पाएंगे। ममता दीदी तो पहले जय श्री राम को प्रतिबंधित करने का प्रयास की, लेकिन मैं आपका अभिनंदन करूंगा कि आप सबने जय श्री राम का नारा ही हर जवान से निकलना लग गया है। मैं हर यहाँ के नौजवान के मुंह से, हर बुजुर्ग के मुंह से, हर माता और बहन के मुंह से जय श्री राम का नारा इस समय सुन रहा हूं। यही तो राम की महत्व है।
हमने कभी भी इसमें भेद नहीं किया और राम तो सबके हैं। लेकिन दीदी कहती है कि राम का नारा क्यों लगेगा, जय श्री राम के नारे क्यों लगेंगे। पता नहीं दीदी को तो अब भगवा से भी बैर हो गया है। अब कहती है दीदी कि मुझे भगवा से चिढ़ है, मैं इसको देखना नहीं चाहती हूं। आपको याद होगा ये भगवा तो भारतीय संस्कृति की प्रतीक है, भारत की सनातन धर्म की प्रतीक है, भारत के आन मान शान का प्रतीक हमारा जो तिरंगा है, उस तिरंगा में जो सबसे ऊपर की पट्टी है वह केसरिया है, वह भगवा कलर का प्रतीक है। यही बंगाल की धरती है, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की धरती है। स्वामी प्रणवानंद ने इसी धरती से दोष करके भारत के सनातन हिंदू धर्म की रक्षा का आह्वान प्रत्येक भारतवासी से किया था। और भाइयों बहनों, यही बंगाल की धरती है। आज ममता दीदी पहले जय श्री राम पे रोक लगाती है, फिर भगवा कपड़े से चिढ़ती है, और अब तो कहती है कि दुर्गा पूजा भी नहीं होने देंगे। याद मुझे याद है दो वर्ष पहले, मुझे याद है दो वर्ष पहले उन्होंने दुर्गा पूजा को रोकने का प्रयास किया था। उत्तर प्रदेश में भी एक साथ दुर्गा पूजा की अष्टमी की तिथि और मुहर्रम की तिथि पड़ी थी। उत्तर प्रदेश में मैंने इस बारे में कहा था, मैंने कहा दुर्गा पूजा होगी और दुर्गा पूजा को रोकेंगे नहीं, जगह जगह दुर्गा जी के पंडाल लगाए गए, पूजा हर जगह हुई थी। और फिर कोलकाता हाई कोर्ट को कहना पड़ा था कि अगर उत्तर प्रदेश में दुर्गा पूजा हो सकती है तो बंगाल में क्यों नहीं हो सकती है। आखिर कब तक ये तुष्टीकरण की भेंट हम यहां की आस्था को और आम जन के विश्वास के साथ करते रहेंगे। और यही तो तृणमूल कांग्रेस कर रही है। भाइयों बहनों, बंगाल की धरती पर पैदा हुए थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सबसे कम उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने थे और उन्होंने अंग्रेजों की उस कुटिलता को बेनकाब किया था जिसमें बांग्लादेश बनाते समय हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों को भी बांग्लादेश में मिलाने की जो कांग्रेस की कुत्सित चेष्टा थी उसको बेनकाब करने का काम किया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने थे, जिसको उस समय एक साजिश के तहत बाहर करने का प्रयास हो रहा था। लेकिन भाइयों बहनों, जब कश्मीर के अंदर कांग्रेस की कुत्सित चेष्टा के कारण संविधान में धारा 370 जोड़ी गई, तो धारा 370 को हटाने के लिए किसी ने आंदोलन किया था तो इसी बंगाल की धरती पर पैदा होने हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान दो निशान दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे का नारा दिया था। और आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने, जिन्होंने कश्मीर में धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। आज अगर मेदिनीपुर का नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदना चाहेगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको यह अधिकार दे दिया है कि आप जम्मू कश्मीर में जाकर के भी अपने लिए जमीन खरीद सकते हैं। हमारे लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत, और भारत का प्रत्येक नागरिक भारत माता का सपूत है, हम उसके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं।
500 वर्षों से कांग्रेस की कुटिल नीति के कारण अयोध्या में राम मंदिर के लिए हिंदू जनमानस जिस आस के साथ संघर्ष करता था, उसको कांग्रेस और उसके सहयोगी दल पूरा नहीं होने देते थे। आज आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी बने, सभी बाधाओं को दूर कर दिया गया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का शुभारंभ भी कर दिया है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण कार्य आज युद्ध स्तर पर आगे चल रहा है। भाइयों बहनों, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर भारत की सनातन आस्था का प्रतीक है, भारत का राष्ट्र मंदिर है। देश और दुनिया का हर श्रद्धालु जब अयोध्या में आएगा, भगवान राम का तो दर्शन करेगा ही, साथ साथ अयोध्या में भारत सेवा श्रम संघ, रामकृष्ण मठ और साथ साथ चैतन्य महाप्रभु के भी दर्शन आपको अयोध्या जी में भी उसी प्रकार से होंगे जैसे बंगाल की धरती पर होते हुए दिखाई देते हैं। हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया। बंगाल की धरती पर स्वामी विवेकानंद पैदा हुए, लेकिन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक प्रचारक ने स्वामी विवेकानंद की शिला स्मारक का निर्माण कन्याकुमारी में करने का कार्य किया था। कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, आप जाइए, आज वहां का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में, प्रेरणा केंद्र के रूप में विवेकानंद शिला कन्याकुमारी के अंदर बनी हुई है। हमने तो पूरे देश को जोड़ने का कार्य किया है और ये चुनाव हमारे लिए केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं है, ये चुनाव हमारे लिए बंगाल के नौजवानों को रोजगार देने का माध्यम बनेगा, ये चुनाव हमारे लिए यहाँ के हर नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने का माध्यम बनेगा, किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का, महिलाओं के जीवन में खुशहाली लाने का, और बंगाल को सोनार बंगाल की प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को साकार करने के लिए यह चुनाव हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चुनाव है। बंगाल की अस्मिता, बंगाल के समृद्ध बंगाल के रूप में, सोनार बंगाल के रूप में बंगाल को आगे बढ़ाने का एक अभियान है और उस अभियान में आप सबको सहभागी बनाने के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। मैं आप सबसे अपील करूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने श्री शिवाराम दास को अपना प्रत्याशी बनाया है। भाइयों बहनों, श्री शिवाराम दास के समर्थन में आप सभी लोग हैं, सभी लोग हैं, शिवाराम दास को सभी समर्थन करेंगे, दोनों हाथ लगाकर मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, पीछे भी, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे।